मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं प्रेस के हमारे मित्रों, मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग। हमारा छोड़ो, जनता जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये। क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते, बेरोजगारी के बारे में बताते, महंगाई के बारे में बताते, मगर नहीं, ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं। देखो, अफ्रीका से 4 चीता आए हैं, देखो जंगल में घूम रहे हैं, देखो। ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरण को मारेगा या नहीं, मतलब अफ्रीका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरण को मारना भूल जाएगा। तो मित्र तो है नहीं। अच्छा, मीडिया बात नहीं उठाती जनता की, तो हमने सोचा पार्लियामेंट में भाषण करो, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बारे में भाषण करने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की। जो हम जमीन अधिकरण कानून लाए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने उसको रद्द करने की कोशिश की, हमने पार्लियामेंट हाउस में बोलने की कोशिश की, वहां पे माइक ऑफ कर देते हैं। देखो ऐसे, तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती, दूसरे तरफ माइक ऑफ कर देते हैं। तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया, कम नहीं होता भाइयों और बहनों। आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है, कम नहीं होता है। 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है थकान नहीं है। आप देखिए मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो, ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे, मैं क्या बोलूं। अच्छा, जो प्रेस वाले हैं एक बात देखो मेरे साथ, एक बात देखो इनके बारे में, देखो एक बात, ठहर जाओ भैया, एक बात देखो प्रेस वालों की। मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना टी शर्ट बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है, ये सवाल नहीं पूछेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है ये स्वेटर बिना जैकेट बिना क्यों घूम रहा है, ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ये सच्चा सवाल है, मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, ये सवाल है। मगर ये कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों ये आपके नहीं है, ये जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है, वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। अच्छा, ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे पास आते हैं कहते राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत, बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें, अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। तो यात्रा का लक्ष्य
जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारे की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है, जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डरो मत। ये भैया ये एक बात समझ लो, ये आपने बोला डायलॉग, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये शिव जी का डायलॉग है। ये डायलॉग डरो मत, ये हमारा धर्म है। अब देखिए ये करोड़ों लोग करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का अरबपतियों का कर्जा माफ कर देंगे, लाखों करोड़ रुपए एक मिनट में माफ कर देंगे, और किसान भूखा मर जाए उसका कर्जा ये माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप यूपी के, बाकी हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आए थे, यूपीए की सरकार थी, आपने कहा हमारा माफ करो, 10 दिन में हमने 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया था। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मनरेगा, भोजन का अधिकार, किसानों के लिए कर्जा माफ। तो हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर ये देश डर जाएगा इस देश का फायदा नहीं होगा, अगर नफरत फैल जाएगी इस देश का फायदा नहीं होगा। भाइयों और बहनों, दो और मुद्दे हैं यात्रा के। एक है महंगाई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आते थे जब यूपीए की सरकार थी, कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है, 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। भाइयों बहनों आज कितने का है? मगर आज प्रधानमंत्री नहीं आते, आज आकर नहीं कहते कि भैया 1100 का हो गया। अच्छा एक और सवाल है भैया, ये जो 1100 और 400 रुपए का फर्क है ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना, मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा। तो याद रखिए ये नरेंद्र मोदी जी के जो खास मित्र हैं, 3-4 खास मित्र हैं, ये जो आपके गैस सिलेंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है उनकी जेब में डाला जा रहा है। अच्छा भाइयों और बहनों, पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपीए के समय? 60 रुपए, आज क्या है? 100। तो ये भी याद रखिए, ये जो 60 रुपया जो है जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है ये भी उनके 2-3 मित्रों के जेब में जा रहा है। तो हमारा दूसरा मुद्दा महंगाई, और तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, जो देश में नोटबंदी, गलत जीएसटी के कारण बेरोजगारी फैली है। आज 3000 किलोमीटर में हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं। मैं पूछता हूं क्या पढ़े, कहते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की। और फिर मैं पूछता हूं भैया आप करते क्या हो, कहते हैं राहुल जी, शर्मा के कहते हैं राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं। कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। अच्छा एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे, यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे, और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था।
युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए, दूसरा रास्ता का यात्रा का रास्ता जेल, रेलवे का यात्रा के का रास्ता, उसको भी एक के बाद एक बेच रहे हैं, उन्हीं 3-4 लोगों को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, पोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, रेलवे भी उनको दी जाएगी, LIC भी उन्हें के हाथ जाएगी, BHL, BHEL, HL सब उनके हाथ जाएगा, और हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार होंगे। ये है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान। इसके हम खिलाफ हैं और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, और हम इसलिए नहीं थके हैं क्योंकि आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा प्यार इस यात्रा को दिया है, और लाखों लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार और इतनी शक्ति आपने हमें दी। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, पूरी जिंदगी याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।